तो कैसे हो मेरे क्रिकेट के दीवानों? बढ़िया सब, मजा आ रहा है ना जिंदगी में? बस ऐसे ही मजे करते रहो, अपने सपनों को पूरा करते रहो। तो मेरे भाइयों, आज की ये वीडियो अपनी हर वीडियो की तरह बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एशिया कप के अंदर टीम द्वारा बनाए गए सबसे बड़े सर्वाधिक स्कोरों के बारे में। कहने का मतलब ये है कि जब से क्रिकेट की दुनिया में एशिया कप शुरू हुआ है, तब से लेके अब तक एशिया कप के इतिहास में सबसे बड़ा सर्वाधिक स्कोर किस टीम ने बनाया और कितने का बनाया, इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सर्वाधिक स्कोरों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही भाइयों, अपनी हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी मैं आप सबसे पूछूंगा क्रिकेट से जुड़ा एक सवाल, जिसका जवाब सिर्फ अपने जैसे क्रिकेट के लवर से दे सकते हैं, लेकिन वो सवाल हम अपनी वीडियो के एंड में पूछेंगे। तो चलिए भाइयों, फिर देर किस बात की, आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से पता कर लेते हैं कि एशिया कप के इतिहास में सबसे बड़ा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीमें कौन कौन सी हैं। तो दीवानों, एशिया कप के इतिहास में सबसे बड़ा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीमों की लिस्ट में नंबर 10 पर आती है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने एशिया कप का यह स्कोर 2 जून 2000 को ढाका के क्रिकेट ग्राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। इस मैच में पाकिस्तान ने पूरे 50 ओवर खेलकर 3 विकेट के नुकसान पर कुल 320 रन बनाए थे। इसी के साथ पाकिस्तान ने इस मैच को 233 रनों से अपने नाम भी किया था। और साथ ही भाइयों, इस मैच के हीरो रहे थे इमरान नाजिर। नाजिर सर ने इस मैच के अंदर 76 गेंदों में 80 रन की पारी खेली थी और अपनी टीम को 320 रनों के लक्ष्य तक पहुंचाया था। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले स्कोर की तरफ। एशिया कप के इतिहास में सबसे बड़ा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीमों की लिस्ट में नंबर 9 पर आती है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने एशिया कप का यह स्कोर 4 मार्च 2014 को मीरपुर के क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। इस मैच में बांग्लादेश ने पूरे 50 ओवर खेलकर 3 विकेट के नुकसान पर कुल 326 रन बनाए थे। लेकिन इतना बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद भी बांग्लादेश इस मैच को नहीं जीत पाई थी और पाकिस्तान ने इस मैच को 3 विकेट से अपने नाम किया था। और साथ ही भाइयों, इस मैच के अंदर बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे अनामुल हक। उन्होंने इस मैच के अंदर 132 गेंदों में 100 रनों की पारी खेली थी और बांग्लादेश को 326 के स्कोर तक पहुंचाया था। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले स्कोर की तरफ। एशिया कप के इतिहास में सबसे बड़ा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीमों की लिस्ट में नंबर 8 पर आती है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एशिया कप के अंदर अपना यह स्कोर 18 मार्च 2012 को मीरपुर के क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया के खिलाफ बनाया था। इस मैच में पाकिस्तान ने पूरे 50 ओवर खेलकर 6 विकेट के नुकसान पर कुल 329 रन बनाए थे। लेकिन इतना बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद भी पाकिस्तान इस मैच को नहीं जीत पाई थी और इंडिया ने इस मैच को 6 विकेट से अपने नाम किया था। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले स्कोर की तरफ। एशिया कप के अंदर सबसे बड़ा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीमों की लिस्ट में नंबर 7 पर आती है पाकिस्तान। हाँ भाइयों, बैक टू बैक एक बार फिर से पाकिस्तान। पाकिस्तान की टीम ने अपने एशिया कप का यह स्कोर 4 मार्च 2014 को मीरपुर के क्रिकेट ग्राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। इस मैच में पाकिस्तान ने पूरे 49.5 ओवर खेलकर 5 विकेट के नुकसान पर कुल 329 रन बनाए थे और इस मैच को पाकिस्तान ने 3 विकेट से अपने नाम भी किया था। और साथ ही भाइयों, इस मैच के हीरो रहे थे शाहिद अफरीदी। अफरीदी सर ने इस मैच के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी। उन्होंने इस मैच के अंदर मात्र 25 गेंदों में 59 रन की एक ताबड़ तोड़ पारी खेली थी, जिसके चलते पाकिस्तान इस रन चेस को चेस करने में सफल हो पाई थी। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले स्कोर की तरफ। एशिया कप के अंदर सबसे बड़ा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीमों की लिस्ट में नंबर 6 पर आती है इंडिया। इंडिया ने अपने एशिया कप का यह स्कोर 18 मार्च 2012 को मीरपुर के क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। इस मैच में इंडिया ने 47.5 ओवरों के अंदर ही 4 विकेट के नुकसान पर कुल 330 रन बनाए थे। इसी के साथ इंडिया ने इस मैच को 6 विकेट से अपने नाम भी किया था। और साथ ही भाइयों, इस मैच के हीरो रहे थे विराट कोहली। कोहली सर ने इस मैच के अंदर मात्र 148 गेंदों में 183 रन की पारी खेली थी और इंडिया के इस रन चेस के अंदर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले स्कोर की तरफ। एशिया कप के अंदर सबसे बड़ा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीमों की लिस्ट में नंबर 5 पर आती है श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने एशिया कप का यह स्कोर 30 जून 2008 को कराची के क्रिकेट ग्राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। इस मैच में श्रीलंका ने पूरे 50 ओवर खेलकर 8 विकेट के नुकसान पर कुल 332 रन बनाए थे और श्रीलंका ने इस मैच को 158 रन से अपने नाम भी किया था। और साथ ही भाइयों, इस मैच के अंदर श्रीलंका को इस स्कोर पे पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ था सनत जयसूर्या सर का। उन्होंने इस मैच के अंदर मात्र 88 गेंदों में 130 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले स्कोर की तरफ। एशिया कप के अंदर सबसे बड़ा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीमों की लिस्ट में नंबर 4 पर आती है पाकिस्तान।
पाकिस्तान ने अपने एशिया कप का यह स्कोर 18 जुलाई 2004 को कोलंबो के क्रिकेट ग्राउंड में हांगकांग के खिलाफ बनाया था। इस मैच में पाकिस्तान ने पूरे 50 ओवर खेलकर 5 विकेट के नुकसान पर कुल 343 रन बनाए थे और पाकिस्तान ने इस मैच को 173 रनों से अपने नाम भी किया था। और साथ ही भाइयों पाकिस्तान की तरफ से इस मैच के हीरो रहे थे शुएब मलिक। मलिक सर ने इस मैच के अंदर 4 विकेट और 118 रन की शतकीय पारी भी खेली थी और पाकिस्तान को अपने दम पर एक बहुत ही बड़ी जीत भी दिलाई थी। तो चलिए भाइयों इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले स्कोर की तरफ। एशिया कप के अंदर सबसे बड़ा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीमों की लिस्ट में नंबर 3 पर आती है श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने एशिया कप का यह स्कोर 25 जून 2008 को लाहौर के क्रिकेट ग्राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। इस मैच में श्रीलंका ने पूरे 50 ओवर खेलकर 9 विकेट के नुकसान पर कुल 357 रन बनाए थे और इसी के साथ श्रीलंका ने इस मैच को 131 रन से अपने नाम भी किया था। और साथ ही भाइयों इस मैच के अंदर श्रीलंका को इस लक्ष्य पे पहुंचाने का सबसे बड़ा हाथ था कुमार संगकारा का। संगकारा सर ने इस मैच के अंदर मात्र 91 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली थी। तो चलिए भाइयों इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले स्कोर की तरफ। एशिया कप के अंदर सबसे बड़ा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीमों की लिस्ट में नंबर 2 पर आती है इंडिया। इंडिया ने अपने एशिया कप का यह स्कोर 25 जून 2008 को कराची के क्रिकेट ग्राउंड में हांगकांग के खिलाफ बनाया था। इस मैच में इंडिया ने पूरे 50 ओवर खेलकर 4 विकेट के नुकसान पर कुल 374 रन बनाए थे और इंडिया ने इस मैच को 256 रन से अपने नाम भी किया था। और साथ ही भाइयों इस मैच के अंदर इंडिया के लिए सुरेश रैना सर और एमएस धोनी सर दोनों ही शतक मारते हैं, लेकिन इस मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच सुरेश रैना सर को मिलता है क्योंकि रैना सर इस मैच के अंदर अपने ओडीआई क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाते हैं और खेल देते हैं 68 गेंदों में 101 रन की ताबड़तोड़ पारी और पहुंचा देते हैं इंडिया को 374 रन के लक्ष्य तक। तो चलिए भाइयों इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले स्कोर की तरफ। एशिया कप के अंदर सबसे बड़ा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीमों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने एशिया कप का यह स्कोर 21 जून 2010 को धामबुला के क्रिकेट ग्राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। इस मैच में पाकिस्तान ने पूरे 50 ओवर खेलकर 7 विकेट के नुकसान पर कुल 385 रन बनाए थे और इसी के साथ पाकिस्तान ने इस मैच को 139 रन से अपने नाम भी किया था। और साथ ही भाइयों इस मैच के अंदर पाकिस्तान की तरफ से हीरो रहे थे शाहिद अफरीदी। अफरीदी सर ने इस मैच के अंदर 1 विकेट और 60 गेंदों में 124 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और पाकिस्तान को पहुंचा दिया था 385 रनों के एक विशालकाय लक्ष्य तक, जो कि एशिया कप के अंदर अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी है। तो चलिए भाइयों ये बात तो हो गई टीम द्वारा बनाए गए एशिया कप के अंदर अब तक के सबसे बड़े स्कोरों की। इसी के साथ भाइयों वादे के मुताबिक मैं आप सबसे पूछूंगा एक सवाल और सवाल ये कि एशिया कप के इतिहास में वो कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जिसने बनाए सबसे ज्यादा रन एशिया कप के अंदर। बस आपको कमेंट सेक्शन के अंदर उसी बल्लेबाज का नाम लिखना है। जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर जरूर लिखना और जिसको नहीं पता है वो अपनी राय दे देना यार कि हम अपनी अगली वीडियो किस मुद्दे या टॉपिक के ऊपर बनाएं। तो चलिए मेरे भाइयों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आगे भी अपने इस चैनल पे क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने इस भाई को मत भूल जाना यार।